वेलकम दोस्तों, आज हमारा रेसिपी है मटन बिरयानी। आइए चलिए देखते हैं मटन बिरयानी बनाने के लिए हमको किन किन सामानों की ज़रूरत पड़ती है। अब हम इसमें करीब 4 चम्मच तेल डालेंगे, 4 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे इसमें। हम देखिए हम डाल रहे हैं, तेल अब गर्म हो गया है। अब इसमें हम लौंग, छोटी इलायची, 4 से 5 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग, दालचीनी और तेजपत्ता का तड़का। देखिए मेरा तो, अब इसमें हम प्याज डालेंगे जो हम पहले से काट के धुल के रखे हुए हैं। एक करीब हमारा 1/2 किलो प्याज है। अब इसको हम अच्छे से सब चला लेंगे, इसको हम ब्राउन होने तक का भूनेंगे हम। अब हम आलू फ्राई करेंगे। आलू फ्राई करने के लिए हम करीब 3 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। देखिए करीब हमारा तेल गर्म हो गया है। अब इसमें हम एक एक करके सारे आलू डाल देंगे। अब हम इसमें सारे आलू डाल दिए हैं। अब इसको हम चलाएंगे। चलाने के बाद इसमें हम नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। देखिए इसको हम डाल लें नमक, और इसमें हम खाने वाला रंग डालेंगे, करीब 1 चम्मच है ये हमारा। और इसे हम डालने के बाद इस सबको हम अच्छे से मिला देंगे। और करीब 1 कटोरी हम पानी डालेंगे इसमें, और सब अच्छे से मिला देंगे ताकि हर एरिया में नमक तेल पहुंच जाए। अब हम फ्लेम को धीमा कर देंगे। धीमा करके करीब से अब इसको हम 20 मिनट पकाएंगे। प्याज अब हम देखेंगे, प्याज ब्राउन हो गया हल्का। अब इसमें हम मीट डालेंगे जो पहले से हम इसको धुल कर रखे हुए थे। प्याज के साथ अच्छे से हम मीट को मिला देंगे। अब इसमें हम नमक डालेंगे, 2 छोटा चम्मच नमक डालेंगे। देखिए हम नमक डाल रहे हैं। इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, 2 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है जो पहले से पेस्ट बना के इसको रखे हुए थे। इसमें हम 1/2 कटोरी पानी डालेंगे। हम ढक्कन लगा देंगे, 2 से 3 सीटी लगाएंगे। इसके बाद हम खोल के इसको भूनेंगे। हम
दो से तीन सीटी लग गया है, अब इसको हम चेक करेंगे। इसको थोड़ा सा इसका हम पानी हम जला देंगे, तब तक इसको हम भूनते रहेंगे। अब इधर मेरा आलू भी करीब करीब हो गया है, इसको भी हम चेक कर ले रहे हैं हुआ कि नहीं हुआ। देखिए हमारा आलू हो गया करीब करीब, इसको फोक काटा से चेक कर रहे हैं। देखिए मेरा आलू हो गया है, एकदम गल गया आलू, अच्छे से गल गया है। इसको गैस को बुझा दिए हैं, इसको ढक के हम साइड में रख देंगे। अब हम चावल तैयार करेंगे। चावल तैयार करने के लिए करीब हम 2 लीटर पानी डालेंगे। और इसमें हम मसाला डाल देंगे, जो खड़ा मसाला था, तेजपत्ता, दालचीनी, छोटी इलायची, लौंग, ये सब हम सारा करके करके सारा मसाला इसमें हम डाल देंगे। इसमें मैंने नमक 1 चम्मच डाल दिया है। अब इसमें हम 2 चम्मच वाइट ऑयल डालेंगे। इसको हम ढक के रख देंगे, बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। और इधर इसको हम गोश्त को देख लेंगे, करीब करीब इसका पानी जल गया है, बॉयल आ गया है पानी में। देखिए पानी बॉयल हो रहा है। इसमें अब हम लोग चावल डालेंगे, जो पहले से हम धुल के चावल रखे हुए थे। पानी मेरा बॉयल हो गया है, अब इसमें हम चावल डालेंगे जो पहले से हम धुल के रखे हुए थे। करीब 20 मिनट पहले से धुल के इस चावल को रख लिए थे। लोग मटन चेक करेंगे, लगभग पानी जल चुका है इसमें का। देखिए पानी जल गया है। अब इसमें हम लोग मसाला डालेंगे, लाल मिर्चा भुका हुआ, जीरा, काली मिर्च, हल्दी और स्पेशल मसाला डालेंगे। सब डालकर अच्छे से चलाएंगे और इसको करीब हम 10 से 15 मिनट तक भूनेंगे। चावल हमारा हाफ कुक हो चुका है, देखिए। अब इधर मीट को भी चेक कर लेते हैं, देखिए धीरे धीरे रंग आ रहा है। चावल से हम पानी निकाल दिए हैं, देखिए हमारा चावल लगभग हो गया। हम मीट को देखते हैं, मीट भी लगभग तैयार हो गया है। अब इसमें हम 1 कटोरी दही डालेंगे। अच्छे से मिला देंगे। अच्छे से मिलाने के बाद करीब 5 मिनट तक इसको हम भूनेंगे। चावल हमारा हो गया है, अब हम गार्निश के लिए सामान तैयार कर लेते हैं। काजू हम फ्राई करके रख लिए हैं, अब देखिए हम प्याज फ्राई कर रहे हैं। इसको भी हम साइड में निकाल के रख ले रहे हैं। अब इसमें हम करीब 2 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग इसमें हम डालेंगे। मटन तैयार हो चुका है, देखिए ये अच्छे से भुन गया है।
अब हम लोग चावल में तह लगाने की तैयारी करेंगे। आधे से ज्यादा चावल हम निकाल देंगे पहले बाहर। अब इसमें हम तह लगाएंगे। सबसे पहले इसमें हम आलू डालेंगे। इसके बाद हम काजू डालेंगे जो फ्राई करके रखे हुए थे हम। इसके बाद हम इसमें स्पेशल मसाला डालेंगे। इसमें छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, स्टार मसाला, कबाब चीनी, ज्योति, जायफल, ये सारा मसाला भुका हुआ है, इसको डालेंगे हम। इसको डालना इसमें बहुत ज़रूरी है। और जो फ्राई किया हुआ हम तेल रखे हुए थे अब एक इसको डालेंगे। अब देखिए हम इसमें मीट डालना है। इसी तरह से सारा लेयर हम बनाएंगे। यहाँ मैंने लेयर लगा दिया। बिरयानी के कब लगभग 4 लेयर बनाए हैं, ये लास्ट लेयर है। अब इसको हम गार्निश करेंगे। देखिए फिर क्या सेव कर रहे हैं। इसके बाद इसमें हम हरी मिर्ची डालेंगे। हरी मिर्ची का बीज निकाल कर डालेंगे। देखिए हम मिर्ची का बीज निकाल रहे हैं। मिर्ची का बीज निकाल के हम डालेंगे। अब इसमें बचा हुआ तेल ऊपर से डाल देंगे। बिरयानी की गार्निशिंग हो गई है। अब इसको हम गैस पे रखेंगे, धीमी आंच पे रखेंगे, कम से कम 10 से 5 मिनट तक रखेंगे। बिरयानी तैयार हो चुकी है। अब सबको हम अच्छे से धीरे धीरे करके मिला देंगे। फाइनली बिरयानी तैयार हो चुकी है। अब इसको हम लोग प्लेट में निकाल लेते हैं। बिरयानी को आप रायते के साथ, कबाब के साथ या भुना मटन के साथ भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ हम भुना मटन के साथ सर्व करेंगे। थोड़ा सा इसको हम गार्निश कर लेते हैं प्याज के साथ।
दोस्तों यदि आपको मेरा बिरयानी बनाने का तरीका अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल होम कुकिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।